खड़े हैं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में, और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी की यदि बात करें तो यहाँ पर सोयाबीन की जो आवक है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, जिसके पीछे का कारण जो है वो अब मौसम भी माना जा रहा है, और इसके साथ साथ जो उत्पादन है उसको भी इसके पीछे का कारण जो है वो माना जा रहा है। लेकिन इस वक्त हम लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में खड़े हैं, हमारे साथ जो सोयाबीन के व्यापारी हैं ओम प्रकाश खंडेलवाल वो भी मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करेंगे क्या कुछ दाम आज सोयाबीन के रहे और किन चीज़ों का जो प्रभाव है वो दामों पर पड़ता है। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आज क्या दाम रहे सोयाबीन के? ऊपर में 4450-60 में ग्रेडिंग माल बिक रहा है, और नीचे में क्या दाम है? नीचे में 3800 से लगा के 4400 में मीडियम माल बिकते हैं। लगातार जो सोयाबीन की आवक है वो कहीं ना कहीं घटती चली जा रही है, उसका कोई असर पड़ रहा है? नहीं सर, DOC में मांग नहीं रहती, उसके कारण बाजार मतलब बढ़ नहीं पा रहा है। और इम्पोर्ट से बहुत माल आ रहा है दक्षिण अफ्रीका से। अच्छा, हर प्लांटों को माल आ रहा है दक्षिण अफ्रीका से, माल लगातार हमारे पास आवक पड़ रही है। और किन किन देशों से सोयाबीन आता है? वो मतलब इम्पोर्ट से तो दक्षिण अफ्रीका से ही आता है, बाकी तो मतलब एक्सपोर्ट करते हैं DOC, तो एक्सपोर्ट में बिल्कुल कमी मांग नहीं। अच्छा, DOC की बात करें तो DOC के क्या प्रभाव रहते हैं सोयाबीन के दामों पर? DOC से ही सोयाबीन के बाजार चलते हैं, दक्षिण जैसे अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना से बाजार चलते हैं। अच्छा, आज मंडी में कितना सोयाबीन आया होगा? सोयाबीन करीबन 4000। और किन किन गाँव से सोयाबीन आता है? सोयाबीन यहाँ से मतलब इंदौर के आसपास 200 गाँव पड़ते हैं, वहाँ से आते हैं। मध्य प्रदेश चूँकि सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है, सोयाबीन हमारे पास ज़्यादा होता है, तो उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो अब की बार सोयाबीन में क्या स्थिति रही, क्या किसानों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, बहुत नुकसान, व्यापारी को और किसान दोनों को नुकसान हो रहा है। अच्छा, किन कारणों के चलते? मौसम के चलते नुकसान हुआ? नहीं, मौसम से नहीं, ये सब विदेश से इम्पोर्ट के कारण और DOC में मांग नहीं होने के कारण। लगातार आने वाले समय में खाद्य तेल की जो है मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि अब सीजन जो है वैवाहिक आएगा, उसके बाद अलग अलग तरह की मांगे, त्योहारी सीजन आएगा, तो क्या लगता है जब सोयाबीन के दाम थोड़े से उसमें? हाँ, मतलब मई के मतलब ये लोकसभा चुनाव के बाद में आ सकता है। अभी क्या नाम है? सुनील चौधरी। सुनील जी, क्या लेके आए? सोयाबीन। कितने का ट्रायल लाए? एक ट्रायल लाया हूँ, 35 बोरी। क्या भाव गया आज? 4245। अधिकतम में कितना गया आज? अधिकतम में 4400 गया। और न्यूनतम? न्यूनतम नीचे में 3500। लगातार दाम गिर रहे हैं? हाँ, गिर रहे हैं। क्या कारण है दाम गिरने के? बस यही है, आवक भी बढ़ रही है अभी। कोई असर मौसम का पड़ा? हाँ, मौसम पानी नहीं गिरा था बीच में, उसके कारण फसल कम हुई। नाम है? नरेंद्र पवार। कहाँ से आए? क्या भाव गया आज? 4300। अधिकतम में कितना गया? अधिकतम 4450 तक बिका। और न्यूनतम में? न्यूनतम में 4200 से।